अब नेक्स्ट प्लान है, हम जा रहे हैं सतापति फेरी पॉइंट, और वहाँ से फेरी लेके हम क्रॉस करेंगे लेक को, चिल्का लेक आई थिंक है, तो वहाँ पे शायद हमें डॉल्फिन भी देखने को मिलेगी। 4 आवर की हमारी राइड है अभी, और तो मीत भाई ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, वो मेरे साथ नहीं आए दारिंगबाड़ी के लिए, तो मैं अभी आज की मेरी सोलो राइड ये चल रही है, तो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस मैं वापसी सनसेट पॉइंट पे आया था, क्योंकि मेरा एक ग्लव्स ये वाला वहाँ पे गिर गया था। जब मैं पेट्रोल फिल करा रहा था तब मैंने चेक किया, तो मेरे पास एक ग्लव्स है और दूसरा नहीं है। तो पहले मैं गया कॉफ़ी प्लांटेशन, वहाँ नहीं मिला, तो दूसरा मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मिल गया। तो मैं दो ही पॉइंट पे आया था, तो लगभग मेरा हाफ एन आवर ख़राब हो गया इस चक्कर में, एक ग्लव्स को ढूंढने के चक्कर में। अभी मैं वापसी जा रहा हूँ सनसेट पॉइंट से सतापाटी फेरी टर्मिनल, और 5 बजे की फेरी है, जबकि मेरे गूगल भाई बता रहा है 6:30 पे पहुँचेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, ज़्यादा नहीं भगाऊँगा, कोशिश करूँगा टाइम से पहुँच जाऊँ, 5:30 नहीं तो 7 बजे की मिल जाएगी। लेकिन मेरी डॉल्फिन देखना मिस हो जाएगा। दारिंगबाड़ी की जो राइड है, जो उसका सबसे बेस्ट पार्ट है, वो यही है जो हम अभी राइडिंग कर रहे हैं इस रूट पे, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा, और दूसरा वहाँ का वेदर। बाकी तो सब दारिंगबाड़ी इज अल्टीमेट यार, उड़ीसा का कश्मीर ऐसे ही नहीं कहा जाता दारिंगबाड़ी को, बहुत ही खूबसूरत है यार, और ये रूट है तो एक नंबर है यार, पूरा फील कराता है हिमाचल या उत्तराखंड को। ये लग रहा है एक्सीडेंट हुई पड़ी है कोई गाड़ी। एक बार फिर हम उसी व्यू पॉइंट पे आए हैं, यहाँ से मैंने आपको दिखाया था रास्ता, जो नीचे बस आ रही थी जब, तो बस एक बार ये पहाड़ ख़त्म हो जाए उसके बाद तो अपनी स्पीड बन जाएगी, और ट्राई करेंगे यार 5 बजे तक पहुँचने की। फेरी की एक टाइमिंग थी 2:30 बजे, तो मीत भाई शायद 2:30 बजे वाली फेरी में चले जाएंगे, दूसरी है 5 बजे, तीसरी का पता नहीं मुझे कितने बजे, अगर तीसरी नहीं हुई तो फिर तो वाट लगेगी, वहीं रुकना पड़ेगा मुझे। ट्राई करते हैं 5 बजे तक पहुँचने की, 2 बज गए हैं लगभग। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली, बस बजरंग बली ठीक ठाक पहुँचा दे आज फेरी पे और टाइम से। वहाँ से हम आए थे ब्रह्मपुर से, और ये सीधा जा रहा था दारिंगबाड़ी, और अब हम ये जा रहे हैं सीधा, ये अब नया रूट मिल गया हमें, अभी तक तो हम पुराने रूट से ही आ रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा शूटिंग की नहीं। सिटी में तो यही पंगा है यार, बहुत ट्रैफिक होता है। 2 आवर 37 मिनट्स दिखा रहा गोल भाई, और जबकि 5 बजने में 2 घंटे रह गए हैं, तो 3 बज चुके हैं, अभी 37 मिनट्स और कवर करने हैं, और ये हम किसी सिटी के अंदर से होके गुजर रहे हैं। इतने कुत्ते इतने गायें बीच से होके जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा सड़कों पे ये जानवर करते क्या हैं। गाइस अभी हम हैं फेरी पे, और ये देखिए मेरे पीछे ये बाइक है हमारी, और आखिरकार फेरी मिली गई, बहुत भगाई बाइक मैंने, बहुत भगाई, जबकि 5.5 घंटे बता रही थी गूगल, और हमने 3.5 घंटे में लगा दिया 200 किलोमीटर, और अब हम फेरी पे आ गए हैं और हम जाएंगे पुरी। तो मीत भाई पहुंच गए हैं पुरी, तो आज हमारा स्टे है पुरी में, तो ये चिल्का लेक के ऊपर फेरी है, तो आगे 12 किलोमीटर आई थिंक हम इस फेरी से जाएंगे। तो अभी हम चिल्का लेक के ऊपर राइड कर रहे हैं, और फेरी राइड है,
और डॉल्फिन तो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी। कहते हैं कि इसमें डॉल्फिन बहुत हैं और अभी तक तो दिखाई नहीं दी। देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं ढूंढने की डॉल्फिन। बाकी राइड में मज़ा आ रहा है। इससे पहले मैंने बॉम्बे में फेरी राइड करी थी, जब हमारा दिल्ली से कन्याकुमारी राइड बाइक राइड थी, उसमें मैंने 2-3 बार फेरी राइड करी थी। और ये बाइक मेरे पीछे है और ये बहुत सारे यहाँ के लोकल लोग फेरी में है। तो ये देखिए, साथ में गाड़ियाँ भी हैं, कार भी है, स्कूटी भी है और ये मेरी बाइक पीछे है। तो वेट करते हैं, अगर डॉल्फिन दिखी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और आज हम जाके रुकेंगे पुरी में। तो फेरी बिल्कुल किनारे पे पहुंच गई है और हम भी, और बहुत ही शानदार राइड थी चिल्का लेक के ऊपर। तो गाइस, ये फेरी है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है और इसकी टिकट है 25 रुपये विद बाइक। तो काफ़ी समय बचता है और राइड का भी, चिल्का राइड का भी मज़ा अलग ही है और इसमें आपको डॉल्फिन देखने को मिलती हैं। तो गाइस, अभी हमने चिल्का लेक पे फेरी राइड करी है और मैं बता नहीं सकता कितना मज़ा आया फेरी राइड पे। और हमें डॉल्फिन देखने को मिली है और 2 बार डॉल्फिन देखने को मिली, लेकिन वो थोड़ी दूरी से थी इसलिए शायद रिकॉर्डिंग मैंने करी तो है लेकिन पता नहीं हुई है कि नहीं है, ये नहीं पता। बट यार बहुत ही अमेजिंग राइड थी। चिल्का लेक तो यार जैसा सुना है उससे बहुत ही शानदार है। चिल्का लेक अमेजिंग यार, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। 5:34 का समय हो गया शाम का और 1 hour 30 minutes दिखा रहा है 52 किलोमीटर की हमारी पूरी राइड। और ये है सत्यपादा यात्री निवास, OTDC का यहाँ पे रिहाइश है रुकने का। उड़ीसा टूरिज्म की तरफ से बोटिंग फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल। पूरी चिल्का लेक है ये, पूरी बहुत बड़ी चिल्का लेक है यार। फेरी से पहले भी बहुत, मतलब कि कम से कम 20-30 किलोमीटर मैंने चिल्का लेक के बीच से, मतलब कि बाइक राइड करी है। ये पूरी चिल्का लेक है। 7 बजे तक हम अपने होटल में पहुंच जाएंगे। और आज की राइड बहुत ही अमेजिंग थी यार, मज़ा आ गया यार आज की राइड। और इतना मैंने आज दौड़ाई है ना ऐसे रास्ते पे, मैं दौड़ाना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी थी आज। अगर नहीं दौड़ाता तो मुझे फेरी नहीं मिलती, फेरी नहीं मिलती तो भाई बहुत लेट हो जाता मैं, 5 बजे की फेरी मिस हो जाती मेरी। और जैसे ही पहुंचा हूँ 5 मिनट बाद फेरी भी चल पड़ी है। ये यहाँ पर इंसान से ज़्यादा गायें भैंस आपको रोड पे नज़र आएंगी इस रूट पे। ये देखिए, ये कुत्ते तो ऐसे घूम रहे हैं कि मानो पता नहीं दबा के कुत्ते घूम रहे हैं। और गाइस, पूरी में आप सभी का स्वागत है। पूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है और कोणार्क 38, भुवनेश्वर 56। तो हम लगभग पहुंच गए हैं पूरी और जस्ट 3 किलोमीटर के बाद पूरी आ जाएगा और हमारा होटल है 6 किलोमीटर के बाद। 19 मिनट हमें लगने वाले हैं और ये मेन सिटी शुरू हो गई है पूरी की। तो मैं अब सीधा होटल जाऊंगा क्योंकि मीत भाई ने ऑलरेडी होटल बुक कर रखा है और चेक इन कर लिया है। तो हम सीधे अब चलेंगे होटल। भाई साहब बहुत ही भीड़ है यहाँ तो पूरी में, पहली बार इतनी भीड़ के अंदर घुसे हैं हम अभी तक। लेकिन जितने भी सिटी में गए हमें इतनी भीड़ नहीं मिली जितनी ये सिटी में भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और 6:40 हो गए हैं, मैं सुबह 9:30 से मैंने राइड करनी शुरू करी थी। और तकरीबन 9 आवर हो गए मुझे कंटिन्यू राइड करते हुए, 9 आवर। मैं गोपालपुर से निकला था दाड़िंगवाड़ी के लिए और वहाँ से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था 2 प्लेसेस। एक तो सनसेट पॉइंट देखा था मैंने और दूसरा कॉफ़ी प्लांटेशन।
और उसके बाद हम वापसी निकल गए थे पुरी के लिए और चिल्का लेक होते हुए आए हैं। चिल्का लेक में हमने वे फेरी की सवारी करी, मज़ा आ गया यार फेरी की जो सवारी की है हमने चिल्का लेक पे। और अभी हम सी बीच की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा होटल ऑलरेडी बुक है और चेक इन हो चुका है मीतवाही के द्वारा। विद इन 5 मिनट्स हम पहुँच जाएंगे अपने होटल में। तो गाइस एट लास्ट हम पहुंच गए हैं पुरी में और हम आए हैं दारिंगबाड़ी से वाया चिल्का लेक होते हुए। और चिल्का लेक यार अमेजिंग थी, अमेजिंग कोई वर्ड्स नहीं है। और उसमें डॉल्फिन जो हमें दिखाई दी और जो बर्ड्स दिखाई दिए तो मज़ा आ गया यार, आज की राइड सक्सेसफुल होगी। एक तो हमने देखा उड़ीसा का कश्मीर, दूसरा हमने देखा चिल्का, चिल्का में हमने की फेरी राइड और अब हम पहुंचे हैं जगन्नाथ के पुरी में। तो मैं आपको रूम दिखा देता हूं जो हमने रूम लिया है और बिल्कुल सी बीच के बिल्कुल ऊपर ही लिया है, सामने सी है। और ये देखिए ये है रूम, रूम सिंपल है, ज़्यादा हाई फाई नहीं, लेकिन हमने तो आज रात या मैक्सिमम कल रात दो रात ही हमने स्टे करना है, उस हिसाब से कोई माड़ा नहीं है। बड़ा रूम है, बिग रूम है और सामान पूरा आ गया है हमारा। मीत भाई और कैसा रहा दारिंगबाड़ी के खिलाड़ी? दारिंगबाड़ी के खिलाड़ी बोल रहे हैं। हाउ वाज इट सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अल्टीमेट यार, जो रूट था ना, रूट ब्यूटीफुल अल्टीमेट। कुछ धुन तो नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। ठंड थी, थोड़ी सी ठंड थी ऊपर, लेकिन अल्टीमेट यार मजा आ गया। आई मिस्ड इट बट चलो, मैं बीच पे चिल कर रहा था। तो गाइस अपने होटल की स्पेशलिटी दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे ये छोटे छोटे हमारे हट्स बने हुए हैं और हट्स में बैठ के आप खाना खा सकते हैं, कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक ले सकते हैं। तो ये पीछे मेरे बोन फायर हो रहा है, तो अभी बोन फायर हो जाएगा तो वहाँ भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। और पीछे रेस्टोरेंट है, ये हमारे होटल का पीछे रेस्टोरेंट है। तो बस अब भूख लग रही है जोरों से, अभी खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, फिर हम सो जाएंगे। और आप देख रहे हैं पुरी, पुरी ये है पुरी और पीछे है बीच, बिल्कुल सामने बीच है। सुबह थे गोपालपुर, अब हैं पुरी। ये थे दाबंगिड़ी दारिंगबाड़ी। दीज आर द ब्यूटीज दैट हैव सडनली लाइंड अप हमारे सामने। एंड हमने अभी तक हम ये डिस्कस करते हैं यार, उड़ीसा में बाइकिंग कल्चर उतना नहीं है बट बंगाल में बहुत है एंड आसपास भी बहुत है। एंड सडनली उड़ीसा में वी फाइंड आर ब्रदर्स राइट हियर, सेम ट्राइब राइडिंग टुगेदर। कहाँ से भाई जी? हाय, नाम बोले सब एक एक करके। हाय, मेरा नाम तेजस्वी है और जमशेदपुर से हम लोग आए हैं। आई एम राजीव एंड आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। आई एम मानशु फ्रॉम जमशेदपुर। Ashish from Jamshedpur. Again Ashish from Jamshedpur. Ashish too. Are you from Jamshedpur? Extreme adventure from Delhi. So we won't take much of their time. अब ये लोग भी थके होंगे एंड बोलेंगे यार ये कौन हमें, अब हमें होटल जाना है, हाथ मुँह धोना है, ये हमें जाने नहीं दे रहे, पानी नहीं पीने दे रहे। So we'll let them go and we'll connect and see you guys later. तो guys हमारा डिनर हो चुका है complete. और अब हम पुरी की सड़कों पे खाक छान रहे हैं और हम छेनापुड़ को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि पुरी आओ और भुवनेश्वर आओ तो छेनापुड़ जरूर खाना है यार। तो छेनापुड़ हम ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे या तो टाइम ज़्यादा हो गया है, शॉप बंद हो चुकी हैं। तो काफ़ी अभी हाफ किलोमीटर इधर गए थे, अब हाफ किलोमीटर वापस इधर जाएंगे। छेनापुड़ा जरूर ढूंढ के खाएंगे यार। मित्रा दी करारी फंस गई। और अभी जमशेदपुर वाले ग्रुप आया है और उनसे अभी मुलाकात हुई है यार, वो भी काफ़ी बढ़िया राइड कर रहे हैं लोग।
और कोलकाता का भी ग्रुप आया ना। हाँ अभी एक कोलकाता का ग्रुप भी मिला है, तो पूरी में फर्स्ट टाइम हमें ये ग्रुप मिले हैं, नहीं तो और कहीं भी अभी तक कोई ग्रुप नहीं मिला राइडिंग ग्रुप। और पूरी में लगता है कि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे राइडिंग करने, काफ़ी राइडर्स थे। हाँ काफ़ी राइडर्स थे और पूरी तो मेन हब हो गया एक तरह का। हाँ राइडिंग के लिए तो गाइस लाइक कर दो छेनापुरा के साथ, और एक लाइक जरूर करना है, और नया व्यूअर्स है तो भाई सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही एंजॉय करना हमारे ब्लॉग को। ये देखो मार्केट, पूरी की मार्केट। तो गाइस अभी हम हैं चक्र नारायण स्वीट में, और हमने तरह तरह की स्वीट्स टेस्ट करी और एक से बढ़कर एक लाजवाब स्वीट थी यार, मज़ा आ गया। और दिल्ली से हम आए हैं यहाँ पूरी में स्पेशल स्वीट्स खा रहे हैं। सिटी रोड में। कौन सी रोड? सिटी रोड। सिटी? सिटी रोड। और ये सिटी रोड है, और भाई का नाम क्या है? दुशासन भैया। दुशासन भाई है, और इन्होंने ये सारे स्वीट्स वगैरह। और थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपकी स्वीट शॉप में आके, एंड बहुत क्लीन शॉप है एंड बहुत ही हाइजीनिकली लग रहा है, प्रिपेयर्ड है। सो अगर आप पूरी आते हैं तो प्लीज़ डू विजिट दिस शॉप, इसका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस शेयर कर देंगे सर।